Assalamu alaikum students. I hope everybody is doing well. So in previous video we have revised the paragraph number 1 and 2. In paragraph number 1 we have discussed how beautiful the land of Arabia is, and in second paragraph we have revised about the eloquence of the people of Arab. So in this video we are going to revise paragraph number 3 to 5. So let's just begin with that. In the 5th and 6th century, 5वीं और 6वीं सदी में mankind stood, mankind, नूह इंसानी stood खड़ी थी, on the verge of chaos, verge, किनारे पे या दहाने पर, chaos, अफरा तफरी के या तबाही के. 5वीं और 6वीं सदी में नूह इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी. It seemed, ऐसा मालूम होता था, दैट के द सिविलाइजेशन, तहजीबो तमद्दुन, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, विच हैड टेकन, जिसने लिए थे 4000 ईयर्स, 4000 साल टू ग्रो, परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई है. ऐसा मालूम होता था कि तहजीबो तमद्दुन, जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ऑलमाइटी रेस्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स, अल्लाह कादर मुतलिक ने इन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को बुलंद करना था, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इन टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ. वक्त की इस घड़ी में अल्लाह कादरे मुतलिक ने इन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सर बुलंद करना था. नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 4. व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल की हुई, ही स्पेंट, वो गुजारते थे मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने ज्यादा वक्त, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, वो अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे. इन द केव ऑफ हिरा, हिरा की गार में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो खलवत गजीन हो जाया करते थे, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी लेकर, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते गुजारा करते थे, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलिक की याद में. कोहे हिरा की गार में खुराक और पानी लेकर खलवत गजीन हो जाया करते थे, और अल्लाह कादर मुतलिक की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 5. द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतजार का अरसा, हैड कम टू अ क्लोज, खत्म हो चुका था, इंतजार का अरसा खत्म हो चुका था, हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल छलक रहा था, विद प्रोफाउंड कम्पैशन, प्रोफाउंड गहरी कम्पैशन, हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा छलक रहा था. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, टू इरेडिकेट, खत्म करने की, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, सोशल इविल्स, मुआशरती बुराइयों, क्रूएल्टी, जुल्म एंड इनजस्टिस, ना इंसाफी को. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, मुआशरती बुराइयों, जुल्म और ना इंसाफी को खत्म कर दूं. द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था, व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोड, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज होना था या नवाजा जाना था, विद नबुवत, नबुवत से, वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से सरफराज किया जाना था,
One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, and conveyed to him, और उन्हें पहुंचाया, the following message of Allah Almighty, अल्लाह ताला का दर्ज़ेल पैगाम। एक दिन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलिक का दर्ज़ेल पैगाम पहुंचाया। रीड पढ़ो इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड अपने रब के नाम से हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया क्रिएटेड मैन इंसान को पैदा किया फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून के लोथड़े से रीड एंड दाय लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है या करीम है हु टॉट द यूज ऑफ द पेन जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया टॉट मैन इंसान को सिखाया दैट विच ही न्यू नॉट जिसे वो ना जानता था पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया या वो इल्म सिखाया जिसे वो ना जानता था।